विवाह। सबसे पहले बात हम समझे विवाह का अर्थ क्या होता है। विवाह धर्माचरण के लिए है कि कामाचरण के लिए है? मूल उद्देश्य विवाह का एक निवेदन करूं भैया, जब पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, जिस समय ध्यान से सुनेंगे सभी, जब पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है तो कन्यादान करने के समय पिता यह करके कन्यादान करता है कि मैं आपको अपनी पुत्री प्रदान कर रहा हूं आपके वंश को चलाने के लिए, एक पुत्र के लिए। इसलिए ना प्रथम पुत्र जो होता है ना वो धर्मज पुत्र होता है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी क्या दूसरे नंबर का पुत्र अग्नि नहीं दे सकता, तीसरे नंबर का नहीं दे सकता? अगर तीन चार बच्चे हैं उनके, अग्नि संस्कार तो कोई भी कर सकता है, वह भी तो अग्निदान कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन बड़ा ना हो तो। सदैव ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि प्रथम पुत्र जो धर्मज, द्वितीय तृतीय कामज, शास्त्र कहता है। इसलिए कन्यादान किया जाता है, विवाह इसलिए किया जाता है कि धर्माचरण के लिए, केवल कामाचरण के लिए नहीं। और हम कर क्या रहे हैं? खुद का पेट भरना, परिवार का पेट भरना, दो चार मेहमान आ गए बस इसी में ही सीमित रह गए हैं, स्व में ही सीमित रह गए हैं। हाँ, न हम धर्म करते हैं, न कहीं दान करते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। प्रगटचारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, सबसे प्रधान धर्म कलिकाल का है दान। और दान केवल धन का नहीं, समझिएगा, लोगों को जब दान कहो ना तो ऐसा समझ आते कि धन की बात कर रहे हैं। दान केवल धन का नहीं, दान मन का भी होता है, दान तन का भी होता है, दान समय का भी होता है। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, अपने तन का दान कर रहे हैं, अपने मन का दान कर रहे, धन का तो किया ही होगा। हाँ, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो धन का दान तो संभव है, लेकिन तन का दान, अपने मन का दान, यह भी जरूरी है। भागवत जी में भगवान ने राजा परीक्षित को स्वीकार कब किया, कब किया था? राजा परीक्षित ने पहला दान किया मन का, वामन जी को देखते ही अपना मन दे दिया था, कितना सुंदर बालक है, बटुक है। तब भी भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया, मन का दान किया फिर भी स्वीकार नहीं किया। फिर वामन जी ने दो पग में उनके पूरे संपत्ति को नाप लिया, अर्थात धन का दान कर दिया, लेकिन फिर भी वामन जी ने स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार कब किया? जब वामन जी ने कहा कि बलि अब तुम्हारे पास क्या है, बलि ने कहा प्रभु कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो बचा हूं, मैं अपना तन का दान आपको करना चाहता हूं। और भैया भगवान ने उनके शीश पर चरण रखा, यही कथा आती है ना भागवत जी में। तो पहले मन का दान किया, फिर धन का दान किया, फिर तन का दान किया। तन मन धन प्रभु तेरा क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा। तन मन धन तीनों दान करना। और एक बात बताओ, जिस दिन ये तीनों आपने दान कर दिया उस दिन भगवान आपके हाथ पकड़ लेंगे। सदैव ध्यान रखना भैया, अपना मन भी दिया करो, अपना तन भी दिया करो, अपने धन तो हम दे ही रहे हैं।